फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लाइटिंग्स ओ अभी आपको दिख ही गया कि वो क्या है हाँ जी तो ये ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर मैंने बनाया है और मैं बताना चाहूँगी कि वैसे तो आप सभी को पता है कि मैं वेस्ट इज ब्यूटीफुल पे बिलीव करती हूँ एंड बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा नहीं सिर्फ मैं करती हूँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन हाँ मैं भी उनमें से एक हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि कुछ बेकार की चीज़ों से अच्छा सा क्रिएट करना तो मैंने ये बहुत ही प्रिटी सा वॉल डेकोर क्रिएट किया है और लिटरली बहुत प्यारा लग रहा है आपको वीडियो में जितना अच्छा लग रहा है सामने से ये उससे दस गुना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और शायद मेरे पास बहुत अच्छा वाला कैमरा नहीं है इसके लिए इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं है बट फिर भी ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसको ऐसे तो देख के बिलीव नहीं करेंगे कि ये किस चीज़ से बना हुआ है आ, शायद किसी ने गेस्ट किया हो किया होगा तो अच्छी बात है और नहीं भी किया होगा तो मैं आगे इसका फुल ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ तो आ, जैसे कि हम बेकार की चीज़ों से नई नई चीजें क्रिएट करते रहते ना तो हमारे अंदर वैसे ही कुछ कुछ अच्छा अच्छा जागता जाता है कि हाँ ये हम बना सकते हैं तो लेट नहीं करती हूँ स्टार्ट करती हूँ इसका ट्यूटोरियल और फिर आगे बातें करते जाएंगे ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत कम टाइम में बन जाएगा लेकिन जब बनेगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा तो इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो आपके घर में अवेलेबल रहता है हर टाइम वो मिल जाएगा और थोड़ी सी एक चीज़ें जो बाहर से लानी है तो किसी चीज को सुंदर बनाने के लिए तो चाहिए ही तो ये मेरे पास है पार्सल आया हुआ अक्सर हमारे पास पार्सल आता है तो उसमें कार्टन्स आते हैं तो कई टाइप के कार्टन बॉक्सेस होते हैं और आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास इस टाइप के कार्टन बॉक्स जो अंदर से टेक्सचर होता है ये हर कार्टन को बनाने में इस टाइप का टेक्सचर यूज होता है एंड इवन टू थ्री लेयर्स भी रहती हैं तो इस वॉल पीस को बनाने के लिए हमें इसका ये टेक्सचर का जो पोर्शन है उसको निकालना पड़ेगा एंड मैंने उसको इक्वली कट किया है ऐसा नहीं सारा इक्वल चाहिए आपको जो शेप चाहिए आप वैसा कट कर सकते हो और उसके बाद जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा पेपर की कोटिंग है जो अलग से इसको हार्ड बनाने के लिए चिपकाया गया है वैसे ये वाला जो रोल था ये आ, थोड़ा सॉफ्ट है बट जैसे कि अदर आइटम्स है जो हैवी रहते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है तो उनके डिलीवरी के टाइम जो बॉक्सेस यूज़ करते हैं उनका जो ये टेक्सचर है इसके साथ टू थ्री लेयर्स अदर कोटिंग्स होती हैं इसको हार्ड बनाने के लिए क्योंकि थोड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने इसके ऊपर किया है मुझे ये बनाना था बहुत टाइम से तो मैं इस टाइप का ही ढूंढ रही थी कि जो सॉफ्ट हो और अच्छे से मुड़ जाए तो इसके लिए बाकी बेडशीट के साथ भी जो कार्टन्स आते हैं जो अंदर बेडशीट के अंदर आपने देखा होगा कि कार्डबोर्ड होता है उसके अंदर भी सेम टेक्सचर का होता है लेकिन वो स्टिफ और हार्ड होता है क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी हैवी कोटिंग होती है और इनको निकालना बहुत इजी है इजली ये निकल जाते हैं बहुत टाइम नहीं लेते हैं और अभी तो मुझे जितना चाहिए जो मुझे मैंने शेप एक माइंड में रख के फ्रेमिंग करके रखी है कि मुझे ऐसा बनाना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग सारे शेप्स ले लूँगी एंड बहुत ही ईजली इनको मोल्ड uh, करना मीन्स इनको जैसा शेप आप देना चाहते हैं वो ईजली हो जाएगा और फिर धीरे धीरे उनको प्रोसेस चलती रहेगी और वो सारी प्रोसेस आपको देख के ही समझ में आ जाएगी कि ये बहुत ही हार्ड नहीं है हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल होता है मीन्स कभी कभी होता है ना ऐसा सेटिस्फेक्शन तो uh, जहाँ पे ना जब जब बात रिजल्ट की आती है ना तो सिर्फ क्वालिटी ही दिखती है है ना आपने कितना काम किया है काम कम किया है या काम ज्यादा किया है इसका कोई प्राइज नहीं मिलेगा बट आपने कितनी अच्छी तरह से काम को किया है ना वो इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे मीन्स uh, मुझे लगता है कि बात जो है वो सिर्फ आके सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे है कि अपनी जिंदगी तो जी है पर कैसे जी है तो उसका सेटिस्फेक्शन आपको कितना होना चाहिए और ये बात यहाँ पे आके सच हुई है क्योंकि मैं ये जो पीस जैसा बनाना चाहती थी वैसा बन के रेडी हुआ है भले थोड़ा सा इसके लिए मुझे क्या बोलूँ कुछ नहीं बोलती बट ये अच्छा बना है और आप आगे की वीडियो देखते रहिए और फिर हम आगे ना आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं एक्चुअली uh, कहीं कहीं से बातें ना जैसे कि बुक रीडिंग करती हूँ या कुछ ऐसा सुन रहे हैं कहीं से तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसे आती रहती और ये लाइफ है और बेसिकली कैसा है ना कि हमारी लाइफ जैसे कि हम एक हाउस वाइफ है तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मेरी लाइफ मेरे अकॉर्डिंग है अभी मैं जो कुछ करना चाहती हूँ या जैसे अपने घर को रखना चाहती हूँ वैसे करूंगी वैसे रखूंगी तो बेसिकली हर हाउसवाइफ को अपने हिसाब से ही काम करना होता है एंड वो उसमें अपना बेस्ट करती है किसी को पसंद आए या नहीं आए उसको कोई जज नहीं कर सकता क्योंकि वो अपना फुल टाइम दे के वहाँ पर अपना हर काम अपने हिसाब से कर रही है शायद मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना बट जो बात ऐसे मेरे मन में आई कि आज के टाइम में हम मीन्स मैं कई लोगों को ऐसा मतलब लगता कैसा है कि देख के उनको लगता है कि यार मैं तो सिर्फ हाउस वाइफ ही रह गई ऐसा नहीं है यार ऐसा मत सोचो कि तुम एक हाउस वाइफ रह गई है तुमने बच्चे संभाला जो तुमने अचीव किया जो तुमने किया आ, मेरे ख्याल से तो मीन्स जैसा अभी का टाइम आ रहा है कि बड़े बड़े शहरों में देखा जाए तो हर कोई चाहता है अच्छी बात है कि हर किसी को अपने पैरों पर पे खड़ा होना चाहिए चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो तो आ, बहुत ही अच्छी बात है लेकिन उनको समझना कि जो मेन चीज़ है कि अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप किस वजह से हो ठीक है चलो वो बात पुरानी हो गई आप उसको छोड़ दो क्योंकि आजकल आ, ये चीज़ें हम सिर्फ बड़े शहरों में देख सकते हैं छोटी जगहों पे आज भी आ, ऐसा नहीं है कि हर लड़की पढ़ती है और वो अपने पैरों पे खड़ी होती है हाँ उनकी चाहत बहुत होती है लेकिन आ, शायद अभी भी वो फिफ्टी फिफ्टी ही है कि उस जगह से निकल के फिर वो जब बाहर जाके करते हैं तो ही सक्सेसफुल है लेकिन अगर आप आ, इंडिया के ही कई ऐसे गांवों में चले जाएं जहाँ पे आपको आ, देखने को मिलेगा कि आज भी वहाँ पे वो हाउस वाइफ हैं और और वो बहुत खुश हैं अपनी दुनिया में उनको कोई तमन्ना नहीं है उनके अंदर थोड़ी भी गिल्ट नहीं है वो अगर अचार बनाती है तो खुश होके बनाती है कि मेरा पूरा परिवार खाएगा उसमें वो स्वाद आएगा अगर वो गरम-गरम रोटियां बनाती हैं तो भी वो बहुत खुश होके बनाती हैं उनको ये नहीं लगता कि मैं किसी और के लिए कर रही हूँ वो कर रही किसके लिए अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए उनके अंदर ये नहीं आएगा कि सिर्फ मैं ही क्यों करूं ऐसा नहीं है है ना तो काफी चीजें ऐसा आप देखो आप समझो मतलब जो इन्वायरमेंट जो चीज़ें हम अपने आप को दे रहे हैं मीन्स हम अगर जॉब कर रहे हैं तो हमें खुश होना चाहिए कि हाँ हम जॉब कर रहे हैं हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम जॉब करें हम अगर हाउस वाइफ ही हैं तो हम हाउस वाइफ हैं हम अपने घर को संभाल रहे हैं और पूरे देखा जाए ना तो कहने को कि पूरा घर एक हाउस वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट होता है एक इनडिपेंडेंट जॉब करने वाला इंसान भी डिपेंडेंट होता है सुबह उसको उठना है तो भी वो डिपेंडेंट है अपने आप नहीं उठेगा उसके अलार्म क्लॉक से वो नहीं उठेगा वो उठेगा तो उस हाउस वाइफ की वजह से उठेगा उसका टिफ़िन तैयार होगा तो उस हाउस वाइफ की टिफ़िन के बनाने से तैयार होगा बच्चे स्कूल जाएंगे तो उस हाउस वाइफ की वजह से ही जाएंगे तो ऐसा नहीं है ये आ, किसी को इसमें आ, नीचे देखने की या किसी को झुकाने की बात नहीं है यहाँ पे बात है खुशी की कि वो हाउस वाइफ ये बोलती नहीं है कि मेरी वजह से होता है वो खुशी खुशी वो सारे काम करती है तो लाइफ में ना मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ा ये बोलने के लिए लेकिन आज के सिचुएशन में जो है आ, जो मैंने देखा कि आजकल सभी को शादी के लिए लड़की चाहिए पढ़ी लिखी चाहिए सैलरी बराबर होनी चाहिए अच्छी जगह से होनी चाहिए ठीक है तो उसके रिस्पेक्ट भी करना सीखो मीन्स सब कुछ आपके हाँ अकॉर्डिंग होता है वो लड़की सुबह आठ बजे उठती है वो आपके साथ साथ ऑफिस जाती है वहाँ से वो जॉब करके रात को आठ बजे नौ बजे लौट के आती है और अगर आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपका घर संभाल के रखे उसके खाने में वो स्वाद आए वो आपको टेबल पे सर्व करे तो ये गलत है और आ, हो सकता है आ, काफ़ी लोग इस बात को समझते हो और अभी तो जनरेशन बहुत चेंज हो गई है समझ आ गई है लड़कों में भी कि हाँ हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि अभी बराबर का है तो बहुत अच्छी बात है अगर आप समझते हो अपनी वाइफ को कि वो अगर आपके साथ साथ जॉब कर रही है फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रही है एंड हर लेवल पे वो आपके लेवल की है तो अच्छी बात है लेकिन कहीं कहीं पे जहां पे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर वो मेरे साथ सुबह ऑफिस जाती है तो जो परे फैमिली की एक्सपेक्टेशन है जो मींस uh, जो इन लॉज की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी बहू ऐसे करे या जो हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं ऑफिस जाऊं तो मेरी बीवी ऐसे करे तो ये गलत है क्योंकि वो आपके साथ ही साथ काम कर रही है तो अगर आप थक के आते हो तो वो भी थक के आती है तो उसका ख्याल रखना भी आपका ही काम है थोड़ा सा चेंज करना माइंड को चाहिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वाइफ सक्सेसफुल है तो उसके पीछे हस्बैंड का हाथ है तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट जब भी है तो हर चीज़ में फिफ्टी फिफ्टी ही होना चाहिए और ये मेरा ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर जो है वो काफ़ी रेडी हो गया है मैंने आप देखते गए और इस पर पे स्प्रे पेंट भी मैंने किया है अभी मैं इस पर बटरफ्लाई लगाने वाली हूँ एंड कुछ ये मेरे पास म्यूजिकल कटआउट्स हैं रखे थे काफ़ी टाइम से तो मैंने सोचा चलो इस पर लगा देती हूँ और जनरली uh, मैं यही फेवी ही यूज़ करती हूँ तो वो फेवी बॉन्ड बॉन्डिंग अच्छी रहती है इससे तो अगर परेशानियों को ख़त्म करना है अपनी लाइफ की तो थोड़ी सी सोच बड़ी रखिए आप तो और uh, सोच बड़ी रखेंगे और साथ साथ दिल को भी बड़ा रखेंगे तो परेशानियाँ अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी और uh, वैसे भी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है रिश्तों को तोड़ने में नहीं जोड़ने में बिलीव करिए कभी कम कभी ज़्यादा सब चलता रहता है ये तो लाइफ है रोड भी बराबर नहीं रहती हर दो दिन बाद तो खड्डे हो जाते हैं यार तो ज़िंदगी है तो कहीं कहीं बीच में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए और सॉल्यूशन हर चीज़ का है ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है आप अगर ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे इम्पॉर्टेंट है कि हम कितना ट्राई करते हैं तो जब हम ट्राई करते हैं तो हर चीज़ बेस्ट ही होती है एक्चुअली आप अगर थोड़ा सा सोचो कि जो चेंज होता है वो नेवर ईजी होता है मतलब कभी भी ईजी नहीं होता चेंज होना या खुद को चेंज करना बेसिकली मैं यहाँ पे खुद की बात कर रही हूँ कि चेंज इज़ नेवर ईजी बट ऑलवेज पॉसिबल तो हमें हमेशा पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि क्या पॉसिबल हो सकता है तो जैसे ये मुझे पहले ऐसा लग रहा था बनाने से पहले जब मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं ऐसा कुछ वॉल डेकोर बनाऊंगी जब ही मैंने इसको कहीं पे देखा किसी मॉल में वॉल पे लगा हुआ वॉल डेकोर तो बेसिकली मुझे वो याद आया कि मैं इसको खुद से बनाऊंगी और उस टाइम वो वो थॉट वहीं पे माइंड को बोलते ना मेरे माइंड में एक ब्रेक लग जाता है कि बस अब ये बनाना ही है तुझे तो वो बनाने के लिए मैंने सोचा लेकिन इतना इजी नहीं था कि मैं तभी ये नहीं था किस चीज़ से बनाऊँगी बिकॉज ये जो हैं वो बेसिकली मेटल्स के बने होते हैं और का, थोड़े टाइम के बाद थोड़े से तो फेड हो जाते हैं थोड़ा सा उनका ब्राइटनेस और शाइनिंग कम हो जाता है बट मैंने बनाया और इतना अच्छा लग रहा है ये बनने के बाद खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करती बट जैसे कि एक चीज़ बना लो और वो अच्छी बन जाती है ना कोई चीज़ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आगे के रास्ते और भी इजी जाएंगे ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर वॉल डेकोर हैं और एक चीज़ और कि हम किसी भी चीज़ को घर पर क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रह गया कि जब हम एक चीज़ खरीद के लाते थे और वो पीढ़ियों तक हमारे घरों में रहती थी आजकल ऐसी कोई चीज़ आ, मिलेगी क्या बहुत कम ही मिलेगी तो और इवन अभी जो बड़े बड़े शहरों में चीज़ें हैं ना तो वो तो मिलती नहीं है भले हमारे छोटे छोटे शहरों में हमारे जहाँ पे बड़े बड़े घर होते थे बंगले होते थे जहाँ पे हम चीज़ों को रख सकते थे तो वो रखी रहती हैं आजकल तो हर किसी को चेंज चाहिए थोड़े टाइम बाद तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं जिनको आप मीन्स कम पैसे में अच्छा सा सुंदर सा कोई भी चीज़ बना सकते हो यूज़ कर सकते हो और जब चाहिए तब हटा सकते हो मीन्स आपने इसमें बहुत सारा पैसा नहीं खर्च किया है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है और सच पूछो तो मैंने इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है मेरी तरफ़ से वो सिर्फ एक स्प्रे पेंट के लिए एंड ग्लू का इन्वेस्टमेंट किया है बाकी चीजें घर पे मीन्स ये कार्टन तो फ्री में आया था <laughs> आ, फ्री में मीन्स सामान के साथ आया था बट कार्टन का तो पैसा नहीं दिया था हाँ उसी में रहता है ना ऐसा होता है बट आ, फ्री में आया था कार्टन मीन्स हम कितना सोचते हैं ना ये चीज फ्री मिल गई नहीं ऐसा नहीं है सब ऐड होता है लेकिन फिर भी पूरा ध्यान फ्री पे चला गया इट्स ओके okay. तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है और तब से मैं बोल रही हूँ ये प्रिटी लग रहा है मुझे तो लग रहा है आप लोग को भी लगेगा और जो सामने से देखेगा उसको भी ये बहुत ही प्रिटी लगेगा अभी ये मैंने बिना लाइटिंग्स के क्लिक करी है और इसमें जब ये लाइटिंग्स लग जाएगी तो ये इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा बहुत ईजी है फ्रेंड्स और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है ये नाइट में तो इसका लुक देखने वाला होता है एंड uh... तो है ना ये बहुत खूबसूरत मैं बार बार बोल रही हूँ मैं आ, बता रही हूँ आपको कि हाँ ये बहुत खूबसूरत है तो मैंने जैसा सोचा था वैसा मैंने बना लिया मेरे इमेजिनेशन से और दुनिया बहुत खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती बढ़ाना हमारे हाथ में है तो हम मींस मैं चाहती हूँ कि हम अपने आज में जिए और अपने आज को लेके चलें आज को खूबसूरत बनाएं जब भी हमारा आज खूबसूरत होगा तो हमारा कल भी ख़ूबसूरत होगा क्योंकि कल कभी आता नहीं है और कल जब भी आएगा वो आज बन के ही आएगा तो हमारा आज बहुत खूबसूरत है ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए और थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो अच्छा ही होगा हमारे बारे में कौन क्या रहा है सोचने दो हमारे बारे में कौन क्या कहता है कहने दो हमें मतलब सिर्फ हमसे होना चाहिए और जब हम खुद से प्यार करते हैं अपने बारे में सोचते हैं ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं हम अपनों के बारे में भी सोचते हैं आ, हम अकेले कुछ भी नहीं है जब तक अपनों का साथ नहीं होता है तो वैसे ये बात आ, ऐसा नहीं कि हमें अपने बारे में सोचना है अपने को खुश रखना है जब हम अपने बारे में सोचेंगे अपने आप को खुश रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अपने खुश रहेंगे हमारी दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी और खूबसूरत बनाना भगवान ने सब कुछ औरतों के हाथ में दिया है तो वो चीज़ें सोचो आप कि जब ईश्वर हमारे साथ है जब उसने हमें इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी हुई है कि हम सबके चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं तो हमें वो कोशिश ज़रूर करना चाहिए अपने मन को अपने जो आपका जो जीवन है उसको अच्छा बनाओ सुंदर बनाओ और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो वो ज़रूर बताना और मेरी ये बातें आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताना और मैंने इसको हर एंगल से क्लिक किया है मींस लाइटिंग्स बेसिकली बता दूं कि मैंने इसमें सिंगल uh, लाइट्स भी लगा के क्लिक किया आपको दिखाने के लिए एंड uh, उसमें बहुत सारी लाइटिंग्स भी लगाई कि उसका लुक कैसे आता है आप जैसे चाहो वैसे इसको डेकोर कर सकते हो अपने घर में एंड um, ये है ही बहुत प्रिटी एंड लाइट वेट है तो आप इसको कहीं पे भी, भी हैंग कर सकते हो ईजिली इसकी जो फ्रेमिंग मैंने लगाई है वो बिना लगाए भी इसको हम डायरेक्ट हैंग कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं मेरा क्राफ्ट टेल्स अच्छा लगता है क्राफ्ट के साथ मेरी जो गॉसिप है जो बातें हैं वो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी और मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। वैसे तो मैं बनाऊंगी वीडियोस और काफ़ी लोगों को पसंद आ रही हैं तो उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू एंड आगे भी और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय सी यू सून